Assalamu alaikum guys, this is me Faisal Khan and welcome back with a new video Gadget Throne. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के मोस्ट फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन के बारे में। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन हो, और आपने यकीनन एक अच्छा स्मार्टफोन इस्तेमाल भी किया होगा और देखा भी होगा। लेकिन आज जो मैं आपको स्मार्टफोन दिखाने जा रहा हूँ, यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ इस LG के स्मार्टफोन के बारे में, जिसको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। इसका जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि इसमें आपको डबल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसको ज़रा सा रोटेट करेंगे तो इसमें एक और स्क्रीन उभरती हुई नज़र आएगी, जो कि इसको एक गिम्बल की तरह बना देती है, और उसमें आप बहुत ही आसानी से मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। अगर आप वीडियोग्राफर हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए और भी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट है 260 ग्राम, यानी कि काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है। और साथ ही अगर इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो इसकी स्क्रीन नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह 6.8 इंचेस की है। और अगर इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके फ्रंट एंड बैक पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है, और साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम इंजेक्टर देखने को मिल जाता है। किसी भी स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसकी बैटरी, और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाले फ़ोन की। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फ़ोन है, इसका नाम है TCL ट्राईफोल्ड। आजकल मार्केट में फोल्डिंग फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, और इसी को देखते हुए चाइना की एक TCL नामी कंपनी ने एक स्मार्टफोन इन्वेंट किया है, जिसमें कि हमारे को एक नहीं, दो नहीं, तीन डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फ़ोन को फोल्ड किया जाए तो एक लेडीज पर्स की तरह हो जाता है, अगर इसको खोल दिया जाए तो एक फुल साइज़ वाले टेबलेट के जितने होता है। और इस फ़ोन में आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही ये फ़ोन मल्टीटास्किंग फ़ोन है। और गाइस, आप इस बात को जानकर बहुत ही हैरान होंगे, क्योंकि इस स्मार्टफोन को अभी तक मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, और मैं भी इस फ़ोन की इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग की जा रही होगी, जिसकी वजह से इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, और शायद इस फ़ोन को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने वाली है। सो गाइज, आज की मेरी ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।